फिरोजाबाद जिले में गुरुवार की रात से शुरू हुई झमाझम वर्षा से हाईवे से सटे सर्विस रोड, मुख्य मार्गों से लेकर गली मोहल्लों में जलभराव के हालात पैदा हो गए। नई आबादी, निचले इलाकों और जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया। गुरुवार को भी दिनभर काले बादल छाए रहने के साथ रिमझिम बरसात हुई। रात में बरसात होने के साथ शुक्रवार को सुबह से देर रात तक रुक रुक कर कई बार तेज बरसात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे भीगते हुए घर पहुंचे। जिला अस्पताल में जल भराव से मरीजों तीमानदारों को परेशानी हुई। नगलाबरी, जाटपुरी, रामगढ़, आकाशवाणी रोड, हबीबगंज, रहमतनगर, अब्बास नगर, हसमत नगर, नूर अब्बास नगर, हबीबगंज बौद्ध आश्रम, गांधी पार्क, करबला में जल भराव से परेशानी हुई। वहीं सुकहाबाद के पक्का तालाब, तहसील त्रा, ग्यार कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, मुस्ताबाद रोड के सहारे बस्ती, गार्डेनिया स्कूल के सामने और आवास विकास कॉलोनी जाने वाले मार्ग के सामने सड़क ने बम्बे का रूप ले लिया। मोहल्लों समूह नगर में नाले नहीं होने से गंदा पानी घरों में घुस भर गया। इधर बारिश के चलते बिजली गुल होने के कारण घरों में बच्चे और महिलाएं अंधेरे में रहने को मजबूर होने के अलावा लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। खेतों में खड़ी बाजरा की फसल हवा के साथ बारिश होने से गिर गई। मुस्ताबाद रोड पर नाला काफ़ी समय से टूटा होने के कारण बारिश का पानी बस्ती में घुस गया। गाड़ी जा रहा तब जन्ना